गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? हम सब बहुत अच्छे हैं। आज मम्मी फिर आप लोगों के लिए लेके आई है एक नई सब्जी, मतलब आलू की सब्जी। नॉर्मल तरीके से करना है। हम इसके नेम बाद में बताएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, टाइटल में दे देंगे। सिर्फ आज जो बनाएंगे वो प्योर आलू की सब्जी नॉर्मल तरीके से होंगे, जिसको हम गार्निशिंग करेंगे धनिया पत्ते के साथ। इसमें जो लगेंगे वो है उबले हुए आलू, छोटे छोटे बारीकी से काटा हुआ, और लगेंगे धनिया पत्ते। इसको बोलते हैं गरम मसाला, मतलब गरम मसाला मीन्स हम लोग भाजा मसाला बोलते हैं, फ्राई मसाला। जीरा, सूखा हुआ मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, आमचूर पाउडर, ग्रीन चिली, मस्टर्ड ऑयल लगेंगे, और धनिया पत्ते तो है ही, और पानी। इसके लिए मम्मी अभी फैन को चला रही है। अभी पैन को गर्म होने, थोड़ा सा हीट हो जाए, उसके ऊपर ऑयल डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल। देखिए कितना लगते हैं। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, फैल चुका है ऑयल, थोड़ा सा गर्म भी हो चुका है। इसमें हम डालेंगे सूखा हुआ मिर्च एक, और जीरा। इसको हम भुनेंगे। अभी भून रहे हैं, उसके ऊपर डालेंगे ये उबला हुआ आलू, एकदम नॉर्मल जैसे बनाना है। ठीक से मिक्स कर रही है। ये अच्छे लगते हैं जब ये जीरा जब थोड़ा सा जल जाता है ना, और बॉयल हुआ आलू जब हम देते हैं तेल के ऊपर, उसका टेस्ट ही अलग होता है। अभी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा फ्राई हो गया, अभी दे रहे हैं स्वाद अनुसार नमक। एक चीज आप लोगों को बताना भूल गई, जब बॉयलिंग किया मम्मी आलू को, तब थोड़ा सा पानी में नमक दिए, नमक देकर उसने बॉयल किया। अभी हम दे रहे हैं आमचूर पाउडर, और धनिया पत्ते, और गरम मसाला या भाजा मसाला जो भी बोलते हैं, फ्राई मसाला हम दे दिए, और ग्रीन चिली दे दिया दो। अभी ये मम्मी भुनेंगे इसको, थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं सब एक एक करके, अच्छे से घुल मिल जाए और थोड़ा सा फ्राई हो जाए। मैं एक चीज बताना चाहूंगी आप लोगों को, मम्मी जो ये भाजा मसाला बनाया है उसमें दिया है धनिया, गोटा धनिया, गोटा जीरे, तेज पत्ते, दो तेज पत्ते, और सूखा हुआ मिर्च तीन चार, जो जितना तीखा खाता है उतना ही दीजिए। अभी ठीक से मिक्स्ड हो गया। अभी मम्मी दे रही है पानी। अभी मिक्स्ड हो गया, आलू की सब्जी बन गई है। अभी फिर मम्मी ऊपर से पहले तो दिया, और फिर और एक बार धनिया पत्ते को देकर थोड़ा सा भूनेंगे। देखिए आजकल सब इतना हेल्दी और टेस्ट हेल्थ कॉन्शियस है ना, तो ऑयल ज्यादा भी नहीं दिया, और एक बार
राइस ऑयल या ऑयल व्हाइट ऑयल से भी अच्छा होता है मस्टर्ड ऑयल। अभी गैस को मम्मी ऑफ कर दिए। देखिए अभी मम्मी भुनेंग रही है, अभी हो गई है, खत्म हो गई है। अभी इसको एक बॉयल में उतर लिया है मम्मी। बस तैयार हो गया। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज देखिए, व्यू कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। इसी तरह हम लोगों के पास रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी दीजिए। तो आज खत्म करती हूँ, फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपसे मिलती हूँ, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।